ना कभी ऐसा हुआ है जो आपका दुश्मन हो वो आपका शिगिर्द बन जाए। आइए हम आपको आज हमारी इस कहानी में आपको यही बताते हैं, तो शुरू करते हैं। उस्ताद जी आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। हाय क्या बताऊं तुझे मैं यार, एक ऐसी सामी को मारने का मौका मिला है कि दिल से खुश हूँ। पर उस्ताद जी ये सामी आपको मिली कैसे और ये है कौन? यार वो कल मैं कलोनी में गया था ना, तो वहाँ मुझे एक लड़की मिली। दरअसल ये आदमी ऐसा करने के लिए मशहूर है और वो कई बार इस कलोनी में आता है और शैतान का फरिश्ता है, लेकिन देखते हैं कि क्या हुआ है। मैंने सच से कहा था कि ऐसा मत करो, सब मेरे खिलाफ है, कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, सबको यही लगता है कि मैं ही बुरी हूँ। मैंने मम्मा से भी कहा, पापा से भी कहा था कि उसे मत बुलाएं। अब देखना अंकल मैं उससे कैसे बदला लेती हूँ। मैडम ये तो बता दीजिए पानी कहाँ पर रखना है। माल्टे लो माल्टे। मैडम माल्टा क्यों मुझे तंग कर रहे हो? माल्टा खाओ मैडम। जाओ मैंने नहीं खाना माल्टा। मैडम गुस्से में लग रहे हो। हाँ मैं गुस्से में हूँ, हाँ मैं पैन हूँ, तुम्हें इससे क्या? मेरे पास है मैडम आपकी परेशानी का हल। तुम ये कर सकते हो? क्या है हल इसका? मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो आपकी परेशानी का हल कर सकता है। रुको मैं तुम्हें उसकी तस्वीर देती हूँ। और वो काम करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि यही है। माल्टे, माल्टे लो माल्टे, बढ़िया मीठे माल्टे। ये कहाँ जा रहे हैं? लगता उसी पादरी के पास जा रहे हैं। आज फिर अब इसने उसके बारे में जानना शुरू कर लिया है। माल्टे, माल्टे लो माल्टे, बढ़िया मीठे माल्टे। भाई माल्टा खाएंगे? हेलो अंकल बात सुनना। जी आया। जी भाई। अंकल आपके माल्टे उस दिन बहुत अच्छे थे, आज भी हम तीनों को दे दें। भाई आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी पूछिए। भाई आप हर रोज उस तरफ क्यों जाते हो? हम वहाँ पर कलाम सीखने जाते हैं। और जो आपको सिखाता है वो है कौन? वो खुदा के बहुत अच्छे खादम हैं, हम भी उनकी इमानत बनना चाहते हैं। बहुत बड़ा खादम समझता है ना अपने आप को। अब देखना इसका क्या हाल करता हूँ, देख लूंगा इसको और इसके यसु को भी। तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने आपको कहाँ तंग किया और आप है कौन? मैं इब्राहिम इजहाक यकूब का खुदा यस्सु हूँ। लेकिन मुझे तो उस लड़की ने कहा था। एक दिन उसकी दादी बहुत बीमार थी और सब कह रहे थे पादरी को बुलाकर दुआ करवाओ, पर वो लड़की नहीं मानती थी। एक दिन उसकी दादी के दिन पूरे हो चुके थे और वो मर गई। उस लड़की ने समझा कि पादरी की दुआ से मेरी दादी मर गई। ऐ यस्सु मुझे माफ़ कर, अब मेरे लिए क्या हुक्म है जो मैं तेरे लिए करूं? अब तू भी तौबा कर और अंजील की मनादी कर। अब यस्सु मुझे माफ़ कर, अब से मैं भी तेरे लिए ही काम करूंगा। जवाब चाहे छोटा हो या बड़ा,
हुक्म खुदा का तो मानना पड़ता है। पादरी साहब, हम गुनाह को छोड़कर खुदा का काम करना चाहते हैं। हम तौबा करना चाहते हैं। अपने गुनाह को तू भी आसमान से इनके लिए अपने पाक रूह को नाज़िल फरमा, ताकि ये हमेशा तेरे हुक्मों पर अमल करें। यीशु मसीह के खुदा की कुव्वत के सामने तो पहाड़ भी मैदान हो जाते हैं। फिर किसी जादूगर की औकात ही क्या है। ये पादरी वो नहीं जो आप समझते हैं, पर वो पादरी कौन था? Thanks for watching. अपने दीवाने याद रखदा ख्याल।